बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर और मेरे साथ हैं डॉक्टर नूर अलैन। आज हम पढ़ते हैं कैंट की ऑब्जर्वेशन नंबर 3, मुशाहदा नंबर 3, तीसरा मुशाहदा कैंट को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरा मुशाहदा, क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रेशन विद रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। तेज़ मुख्तसर और मजबूत एग्रावेशन मरीज़ की तेज़ी से बेहतरी के साथ, यानी कि अगर मरीज़ के अंदर जो एग्रावेशन है वो मजबूत है लेकिन मुख्तसर है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है, वो भी तेज़ है, तेज़ तरीन है, यानी बहुत जल्दी से मरीज़ जो है वो क्योर हो रहा है, क्योर होने की तरफ जा रहा है। Aggravation is quick, short, strong with rapid improvement of the patient. यानी aggravation जो patient का है वो है तो मजबूत, लेकिन है भी तेज़, लेकिन है short, छोटे वक़्त के लिए, बिल्कुल कम वक़्त के लिए, और उसके साथ साथ जो patient की, मरीज़ की improvement है, बेहतरी है या cure है, ratio वो भी तेज़ी के साथ है और बेहतरी के साथ है और अच्छी है, यानी वो भी उतनी fast है जितना fast aggravation है। In acute disease, 1 hour after the remedy. अगर तो हाथ अमराज है, हाथ अमराज से मुराद है कि acute case, अभी का patient जो अभी 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसको कोई मसला हुआ है तो वो acute में आता है, वहाँ पे उसको कोई मसला हुआ है, शिद्दत का है, 1 दिन का है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, कोई ऐसा, लेकिन मरीज शिद्दत के साथ है, वहाँ पे जो रेपिटेशन करेंगे आप, उस रेमेडी को रिपीट करेंगे, वो हर 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। In chronic disease, during the first few days. अगर मजमन अमराज है, क्रॉनिक अमराज है, पुराना अमराज है, पेचीदा अमराज है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी रेशियो को देखते हुए, इम्प्रूवमेंट को देखते हुए, जहाँ पे दवा काम करना छोड़ेगी वहाँ पे हम दवा को रिपीट करेंगे, शुरू में चंद दिनों के बाद भी उसको रिपीट किया जा सकता है। Prognosis very good. तशखीस जो है, जो दवा हमने सिलेक्ट की है उस पेशेंट के लिए, वो बहुत अच्छी है। प्रोग्नोसिस गुड, यानी तशखीस इंतहाई अच्छी है, गुड है, बेहतर है, जो हमने पेशेंट के लिए तजवीज़ की थी। इन्फेरेंस, रेमेडी, करेक्ट रिएक्शन, विगोरस इम्प्रूवमेंट, मार्क न्यू स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसका मतलब ये है, यानी मालूमात यह है कि जहाँ पे जो दवा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। दूसरा यह है कि मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। तीसरा, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर, यानी पैथोलॉजिकली टिश्यूज़ के अंदर, अज़ा के अंदर कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई, ये केस जो अभी बिल्कुल सही है और क्योरेबल है 100%, उसके अंदर किसी किस्म का शक नहीं है, रेमडी की सिलेक्शन में भी कोई शक नहीं है, और उसके अंदर किसी किस्म की पैथोलॉजिकली भी चेंजेस नहीं आई, ना किसी टिश्यूज़ के अंदर कोई तब्दीली रूनमा हुई है। रेमेडी करेक्ट, रिएक्शन विगोरस, इम्प्रूवमेंट मार्क्ड, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस। यानी इसका मतलब यही है कि जो दवा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसका दवा का जो रद्द अमल भरपूर है, अच्छा है, और जो उसके अंदर बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हुआ, किसी किस्म की पैथोलॉजिकली चेंजेस नहीं हुई, किसी किस्म का कोई भी उसके अंदर टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ अभी तक। What to do, not to deprive the action of the medicine. यहाँ पे हमने क्या करना है कि मेडिसिन के एक्शन को, दवा के एक्शन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, उसको रोकना नहीं, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करनी, किसी किस्म की उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करनी। What to do, not to deprive the action of the medicine. यानी हमने इस जो मेडिसिन उसके लिए सिलेक्ट की थी, जो दवा तजवीज़ हुई है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, उसको अपना काम करने देना है, वहाँ पे हमने कोई भी और मेडिसिन नहीं देनी, कोई रेपिटेशन नहीं करनी, किसी किस्म का और कोई मसला उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश नहीं करनी। रिमार्क्स, दिस टाइप ऑफ एक्शन इज वेरी रीअश्योरिंग। यानी इसका अमल जो है वो बड़ा हौसला अफजा है, उसने हमें बहुत ज़्यादा हौसला दिया, बेज़र्र है और अच्छा रहा इसका रिस्पॉन्स हमारा। इन शॉर्ट अगेन रिपीट कर दीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो तेज़ होनी चाहिए, यानी इस ऑब्जर्वेशन में बताया गया है कि जो एग्रवेशन है वो तेज़ हो, मुख्तसर हो, मजबूत हो, और मरीज़ की जो बेहतरी है वो तेज़ी के साथ होनी चाहिए। जी, और जो दवा सेलेक्ट की गई है वो अच्छी है, उसके अंदर आपने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, किसी किस्म की भी उसके पीछे कोई रेपिटेशन करने की या दवा चेंज करने की ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी।
ये था आज का हमारा कैंट ऑब्ज़रवेशन यानी थर्ड ऑब्ज़रवेशन, तीसरा मुशाहदा। इंशाल्लाह इसी तरतीब से हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।